बिमला डर के मारे पीछे हट रही है। उसकी पांचों बहुएं हाथ में डंडा लेकर उसकी तरफ बढ़ रही हैं। बिमला डर के मारे चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। जितना भी चिल्ला ले बुढ़िया, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज तो तेरा खेल खत्म। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बिमला चिल्ला चिल्ला कर पांचों से विनती करती है, मगर कोई बात सुने तब ना। पांचों मिलकर बिमला को डंडे से मारती हैं। बिमला के सिर से खून निकलने लगता है। सुन रे बुढ़िया, अगली बार से बात नहीं मानी ना तो इससे भी बुरा हाल करेंगे, समझी? हाँ बहू, मुझसे दोबारा कभी गलती नहीं होगी। याद रहे ये बात। चलो चलो चलो, बुढ़िया समझ गई। ए बुढ़िया, हम अभी टीवी देखेंगे, जा हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े तल कर ला। ये बोलकर पांचों बहू चली गई और एक साथ बैठकर टीवी पर सीरियल देखने लगी। बिमला सिर में चोट लेकर सबके लिए पकौड़े बनाकर लाई और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। हे भगवान, मैं क्या करूं? पांचों ने मिलकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। असल में बिमला के पांच बेटे हैं। पांचों बेटे शहर में एक ऑफिस में काम करते हैं और कभी कभी घर आते हैं। पांचों बहुएं यहाँ बिमला के साथ रहती हैं। बिमला बहुत भोली है और पांचों बहुएं इसी बात का फायदा उठाती हैं। वो बिमला से घर का सारा काम करवाती हैं। एक भी काम इधर से उधर होने पर पांचों मिलकर बिमला को मारती हैं। बिमला रो रही है, इतने में एक बहू आती है। ए बुढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर, जा अब हमारे लिए खाना बना। बिमला खाना बनाने के लिए उठती ही है, इतने में उसके पांचों बेटे घर का दरवाजा खटखटाते हैं। एक बहू जाकर दरवाजा खोलती है। अरे आप लोग अचानक से आ गए? क्यों, बोल कर आना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, अगर बोल के आते तो आप लोगों के लिए खाना बना के रखते ना। तो क्या हो गया, खाना तो अभी भी बन सकता है ना। वो लोग घर के अंदर आते हैं और अपनी माँ को बुलाते हैं। माँ कहाँ हो तुम? माँ! उधर बिमला ये पुकार सुनती है और अपने बेटों के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बड़ी बहू कहती है, ए बुढ़िया सुन, अपने बेटों से ये सब कहा ना तो हम तेरी जान ले लेंगे। तेरे बेटे आज आए हैं, कल चले भी जाएंगे, तुझे तो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बहू, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये बोलकर बिमला अपने बेटों के पास जाती है। अरे बेटा, कैसे हो तुम लोग? हम तो अच्छे हैं माँ, आप कैसी हैं? ये क्या माँ, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है, कुछ हुआ है क्या? ये बात सुनते ही पांचों बहुओं के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सत्यानाश, कहीं ये बुढ़िया सब कुछ बता ना दे। मगर बिमला को बड़ी बहू की बात याद है, वो सच्ची तो बोल रही थी, आखिर रहना तो उन लोगों के साथ ही है, तो फिर उन लोगों से पंगा लेकर क्या फायदा। बिमला कहती है, अरे बेटा और क्या बताऊं, बाथरूम में गिर गई थी। मगर कैसे, ये लोग आपका ख्याल नहीं रखती हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत ख्याल रखती हैं ये सब, मगर क्या करूं, बूढ़ी हो गई हूँ ना, कभी कभी हो जाता है। बड़ी बहू ने दवाई दिया है, कल तक ठीक हो जाऊंगी। बड़ी बहू बहुत शातिर है, वो बात घुमाने के लिए कहती है, माँ से तो कितनी बार कहा है मैंने, माँ जी बाथरूम जाते वक्त हमें बुला लिया करें, मगर माँ सुनती ही नहीं है, आखिर हम सब किस लिए हैं? आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आराम कीजिए। माँ जी आप टीवी देख रहे थे ना, वही देखिए, हम खाना बना कर लाते हैं। पांचों बहुएं खाना बनाने चली जाती है। अगले दिन सुबह पांचों बेटे शहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़ा बेटा बिमला को बुलाता है, माँ एक बार इधर आना। बिमला कमरे के अंदर आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों बुला रहा है? तुम्हारे लिए एक तोहफा है माँ, ये लो। बड़ा बेटा बिमला को एक मोबाइल फोन देता है। ये तो बहुत महंगा फोन है बेटा, इसका मैं क्या करूँगी? क्यों, हमसे बात करूँगी? हमसे बात करने का दिल नहीं करता है क्या? दिल तो बहुत करता है बेटा, लेकिन कामों से फुर्सत कहाँ मिलती है। कामों से मतलब? बड़ी बहू तो कह रही थी कि तुमको कोई काम ही नहीं करने देती। बिमला डर जाती है, ये क्या निकल गया उसके मुंह से, वो बात घुमाने की कोशिश करती है। हाँ वो बात तो है, मगर दिन भर बैठे रहना किसको पसंद है, इसीलिए थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। नहीं माँ, इस उम्र में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, पांचों बहुएं हैं ना काम करने के लिए, आप बस आराम करना, मैं रोज वीडियो कॉल करूँगा, आपका चेहरा देखने से मेरा दिन भी अच्छा जाएगा। तुम लोगों को देख के मैं भी खुश हो जाऊंगी।
ठीक है माँ, अब हम चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ बेटा जा, मेरा अच्छा बेटा। बिमला के पांचों बेटे चले जाते हैं। उन लोगों के जाते ही बहुएं अपने असली रूप में वापस आ जाती हैं। ए बुढ़िया, बहुत आराम कर लिया कल से, अब जा हमारे लिए नाश्ता बना, चल। ठीक है बहू। बिमला रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। इतने में बिमला के फोन पर बड़े बेटे का वीडियो कॉल आता है। बिमला फोन उठाती है। हाँ माँ, हमें बस मिल गई है। ये क्या माँ, ये तो रसोई लग रहा है, तुम रसोई में क्या कर रही हो? नहीं बेटा कुछ नहीं। इतने में बड़ी बहू वहाँ पर आ जाती है। अरे देखो ना, माँ किसी की बात ही नहीं सुनती, कितना मना किया कि रसोई में मत जाइए, मगर वो सुने तब ना। नहीं माँ ये ठीक नहीं है, तुम बस आराम करो। बड़ी बहू। हाँ जी। माँ आज से कोई काम नहीं करेगी, अगर मैंने वीडियो कॉल में माँ को काम करते हुए देखा तो मैं तुमको बहुत डांटूंगा। ठीक है जी। बड़ा बेटा फोन रख देता है। बिमला अपने मन में ही खुश होती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी बहू बाकी बहुओं को ये बात बताती है। ये बात सुनकर सभी गुस्से से लाल हो जाती है। तो क्या अब हमें बुढ़िया का ख्याल रखना पड़ेगा, खाना बना के उसको खिलाना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती। एक काम करते हैं, बुढ़िया का खेल ही खत्म कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हाँ ये कर सकते हैं, मगर करेंगे कैसे? सुनो मेरे पास एक प्लान है, एक पागल कुत्ता लाते हैं और उसको बुढ़िया पर छोड़ देते हैं। पागल कुत्ते के काटने से भयंकर बीमारी होती है, उस बीमारी से बुढ़िया टपक जाएगी और हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। ये हुई ना बात, चलो कुत्ता लाते हैं। अगले दिन बिमला घर के बाहर अपना फोन लेकर बैठी हुई है, तभी पांचों बहुएं वहां आती हैं। बड़ी बहू ने चेन से बांधे हुए एक कुत्ते को पकड़ा हुआ है। वो कुत्ता बिमला को देखकर जोर जोर से भौंक रहा है। क्या बात है बुढ़िया, आजकल बड़ा आराम फरमा रही है तू, इस कुत्ते को कहाँ से लाई हो? मुझे डर लग रहा है। लगना भी चाहिए, तेरे लिए ही तो लाए हैं। इसे छोड़ते ही ये तुझ पर चढ़ जाएगा और तुझे काट लेगा। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, वरना मैं फोन करके अपने बेटों को सब कुछ बता दूंगी। इतने में बिमला की उंगली फोन के स्क्रीन पर लग जाती है और फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, मगर किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगती है। तू बोलने की लायक रहेगी तब ना, इतने दिनों से तू घर का सारा काम करती थी इसीलिए जिंदा थी, मगर अब और नहीं। कालू जा, बुढ़िया का खेल खत्म कर दे। ये बोलकर बड़ी बहू कुत्ते को छोड़ देती है और कुत्ता बिमला के ऊपर चढ़ जाता है। वो बिमला को कई जगहों पर काट लेता है। बचाओ बचाओ, तुझे कोई नहीं बचाएगा। ये सब कुछ फोन में रिकॉर्ड हो जाता है, मगर किसी को पता ही नहीं चलता। इसके बाद बड़ी बहू कुत्ते को लेकर चली जाती है। पड़े रहने तो इस बुढ़िया को, पड़े पड़े मर जाएगी। ये सोचकर सभी वहाँ से चले जाते हैं, मगर कहते हैं ना, पाप कभी छुपा नहीं रहता। इतने में बिमला का बड़ा बेटा वहाँ पर चला आता है और अपनी माँ को इस हालत में देखता है। माँ माँ, तुम्हें ये क्या हो गया माँ माँ? मगर बिमला कुछ बोलने की हालत में नहीं है। बड़ा बेटा बिमला को उठाकर अस्पताल ले जाता है और साथ में फोन भी उठा लेता है। अस्पताल में बिमला को भर्ती किया जाता है और एक ऑपरेशन किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अस्पताल में बैठे हुए बड़ा बेटा बिमला का फोन चेक करता है और उसे वो वीडियो दिख जाती है। उसे सब कुछ पता चल जाता है। इतने में बाकी चारों बेटे वहाँ आ जाते हैं और सभी वो वीडियो देखते हैं। पांचों घर जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को खींच कर तमाचे लगाते हैं। ये है तुम लोगों की असलियत? हाँ जी, मुझे तो सोच कर भी घिन आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो, मगर और नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। नहीं ऐसा मत कीजिए। केवल यही नहीं, हमने पुलिस को बुलाया है, तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर देंगे, तुम पांचों अब सड़ोगे जेल में। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और पांचों को उठाकर ले जाती है। पांचों बहुत रोते हैं, माफी मांगते हैं, मगर कोई लाभ नहीं होता है। अदालत से पांचों को फांसी की सजा मिलती है। पांचों को अपने किए का सबक मिल जाता है। इधर अस्पताल में ट्रीटमेंट मिलने से बिमला भी बिल्कुल ठीक हो जाती है और घर लौटती है और अपने बेटों के साथ खुशी खुशी बाकी की जिंदगी बिता देती है। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।